हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तुझसे नाराज भी हूँ और तेरे पहलू में भी हूँ, मोहब्बत का यह दस्तूर नया नया सा है कि मुझे रूठना ना आया, तुझे मनाना ना आया। बिहार में भले ही तमाम कयासों, एग्जिट पोल के अनुमानों और नई उम्मीदों को झुठलाते एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बन गई हो, पर लगता है भाजपा और नीतीश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यह तो 10 नवंबर की शाम तक नतीजों और रुझानों से साफ हो गया था कि एनडीए विजयी भव की राह पर चल निकला है, लेकिन जब देर रात तक राज्य में सरकार बनाने को लेकर नीतीश कुमार का कोई भी बयान नहीं आया तो भाजपा के ललाट पर चिंताओं की लकीरें खींचने लगी। अपने लोगों की मंडली में नीतीश कुमार ने संकेत देने शुरू किए, चूंकि यह जनादेश उनके लिए नहीं है। जदयू की सीटें 71 से घटकर मात्र 43 रह गई थी, तो वे विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। अगले दिन जब पीएम और अमित शाह नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में आहूत बिहार विजय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकले, तो पार्टी के दोनों ही शीर्ष नेताओं ने फोन लगाकर नीतीश कुमार से बात की और उनसे बयान जारी करने को कहा। शाम को नीतीश की ओर से एक छोटा सा बयान जारी हुआ। जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया है उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक लंबी चुप्पी के बाद नीतीश का ये छोटा सा ट्वीट सामने आया। भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय में बिहार विजय के शानदार उद्घोष के बाद कहते हैं स्वयं पीएम ने नीतीश कुमार से बात की और उनसे कहा कि वे सुशील मोदी को दिल्ली लाना चाहते हैं। स्वयं नित्यानंद राय, आर के सिंह या गिरिराज सिंह में से किसी को अपना डिप्टी सीएम चुन ले। इस पर नीतीश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि आप डिप्टी क्यों, भाजपा का सीएम बनाइए। फिर मोदी ने बात संभाली और कहा कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद को पाने का हकदार है, पर फिलहाल हम सिर्फ डिप्टी सीएम के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब भाजपा को इस बात का इल्म हो चुका था कि नीतीश बतौर डिप्टी सीएम भाजपा का कोई हैवीवेट नेता नहीं चाहते हैं, तो फौरन तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के नाम निकलकर सामने आए। तारकिशोर प्रसाद इसलिए कि वे सुशील मोदी की जाति से ताल्लुक रखते हैं, इससे प्रदेश के वनिया वोटरों में कोई नकारात्मक संदेश नहीं जाएगा, और रेणु देवी एक महिला होने के अलावा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि वे उसी क्षेत्र से ताल्लुक रखती थी जो क्षेत्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल का है, यानी सुशील मोदी के साथ साथ उनकी उत्कट महत्वाकांक्षाओं को भी बैलेंस कर दिया गया। और सबसे खास बात तो यह कि नीतीश को इन दोनों नामों पर कोई आपत्ति भी नजर नहीं आई। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।